जनप्रक्षी जी, राजीव गांधी फाउंडेशन का पैसा लेना, मैं जानता हूं आप पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन देश के एक सतर्क और जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आप क्या सोचते हैं? 2006-07 में लगभग 1 करोड़ रुपए लेना, डोकलाम के टाइम मिलना, चीनी एम्बेसी द्वारा ट्वीट डिलीट करना, ये सब चीजें क्या शक के दायरे में कांग्रेस पार्टी को खड़ी करती हैं? आपकी क्या राय है एक जागरूक सिटीजन के तौर पर? देखिए, जैसे कि आपने खुद कहा, मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ और ना ही मेरा ये कार्य क्षेत्र बनता है, लेकिन मैं सिर्फ एक आम नागरिक की तरह मैं हैरान हूँ कि क्या इस तरह के पार्टी टू पार्टी रिलेशन एक एडवर्सरी कंट्री के साथ हो सकते हैं? क्या अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी या डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, क्या वो रूस के साथ, रूस की कम्युनिस्ट पार्टी या कोई और पार्टी, कम्युनिस्ट तो अब खत्म हो गए, उनके साथ क्या वो इस प्रकार के संबंध रख सकती है पार्टी टू पार्टी, जिसमें कि पैसे का आदान प्रदान हो? क्लैरिटी और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए हमें खुशी होगी कि अगर ये चीज कांग्रेस पार्टी खुद सार्वजनिक करे। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल कर दिया गया है कि ये सारे जो चीजें हैं आए, और क्योंकि ये तो बहुत गंभीर चीज बन जाती है कि हमको पैसे मिल रहे हैं, फंडिंग मिल रही है, क्या वो पॉलिसी मेकिंग पे इन्फ्लुएंस डालती है, डाल सकती है? अमेरिका में तो कितना बड़ा केस चला, आपको याद है डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी इलेक्शन के दौरान, कि उन्होंने फंडिंग ली यूक्रेन से और कितना बड़ा बवाल उस पर खड़ा हो। तो हम भी एक प्रजातंत्र हैं और हमको वी विल हैव टू सी कि वॉज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलोड, क्या इलेक्शन कमीशन को इसकी सूचना दी गई थी नहीं, ये सब बातें खड़ी होकर आती हैं। और मैं समझता हूं कि पारदर्शिता को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी को खुद इनका जवाब देना चाहिए, खुद क्लियर करना चाहिए, और अगर वो नहीं भी करते हैं तो आप तो एक न्यायिक जांच और प्रणाली की मांग कर दी गई। बिल्कुल।